राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ आपके सामने अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम नए ब्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ भाई छोटी से छोटी कोई भी जानकारी है वो आपको बहुत काम आ जाती है। और जैसे मैं भी बहुत सारे ड्राइवर भाइयों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ और तो जो एक्सपीरियंस मेरे को मिलता है वही मैं आगे शेयर कर देता हूँ। तो भले ही छोटी जानकारी है मगर बड़े काम की जानकारी है इसमें भाई। उबर से रिलेटेड ये है न्यूज, एक न्यूज तो क्या यार, एक छोटी सी जानकारी जिसमें किसी भी भाई के साथ ये गड़बड़ ये गलती हो सकती है किसी भी ड्राइवर भाई से। तो भाई ऐसा होता है कि अपने भाई हैं पंडित जी, उनको एक बुकिंग मिलती है आउट स्टेशन बुकिंग देहरादून से नोएडा के लिए। तो भाई वो बुकिंग लेके पहुंचते हैं, 3-4-5 घंटे का जो भी सफर तय करके पहुंचते हैं और नोएडा की सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं। इसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा भाई को। ट्रिप ठीक ठाक तरीके से एंड होने के बाद बहुत बढ़िया पैसेंजर से भी बातचीत होते हुए और एकदम एग्जैक्ट टाइम टू टाइम ड्रॉप करने के बाद भी इस वाली बुकिंग में समस्या भाई के साथ हो गई। तो इस तरीके की समस्या किसी के साथ भी भाई हो सके है। ऐसी समस्या अगर आ जाए सामने, पहली बात तो ये जो वीडियो देख के इस तरीके की समस्या आनी नहीं चाहिए, मगर आ भी जाए तो भाई होपलेस नहीं होना है। जैसे तैसे करके जो भी आपके पास छोटी मोटी जानकारी रहेगी उसके साथ आप उस समस्या से निकल सकोगे। तो भाई पैसेंजर को लेकर भाई ने नोएडा में ड्रॉप कर दिया, ट्रिप एंड का बटन दबा दिया और अमाउंट सामने स्क्रीन पे आ गया। पैसेंजर को बता दिया जी आपका इतना बिल हो गया है और वो बिल ले लिया, दे दिया पैसेंजर ने। और भाई सामान वगैरह उतारने में ऐसा बिजी सा शेड्यूल हो गया भाई को, ओटीपी भाई भूल गए, जबकि पैसेंजर ने ओटीपी बता दिया था मगर भाई भूल गया उस टाइम डालना नहीं, क्योंकि सामान उतारने की हबड़ा तबड़ी में कुछ समझ नहीं आया, याद नहीं रहा, भूल गया। तो भाई पैसेंजर चला गया, अभी इतनी बड़ी सोसाइटी है कहां कौन सी बिल्डिंग में चला गया, कौन से फ्लोर पे चला गया, बिल्डिंग पे तो भाई खड़ा ही था और उसने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया। वो बस गाड़ी लेकर बाहर आ गया और फिर देखे, अरे तो भाई बुकिंग तो एंड ही नहीं हुई, अब ओटीपी मांगे, ओटीपी तो मुकेश भाई भूल चुका है। तो भाई जब तक ओटीपी नहीं डलेगा ट्रिप का एंड नहीं होगा। रेंटल और आउट स्टेशन में ये इश्यू रहता है, ओटीपी आपको स्टार्ट ओटीपी भी डालना पड़े हैं और एंड ओटीपी भी डालना पड़े हैं। कस्टमर केयर तो इनके भाई माशाल्लाह है, बड़े मिलते ही नहीं है, चाहे ओला का कस्टमर केयर हो चाहे उबर का कस्टमर केयर हो, कितना भी बड़े से बड़ा कांड हो जाए कोई कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है आपको। तो भाई अब भाई परेशान, ट्रिप एंड नहीं हो रही है, कैसे तो लॉगिन हो, वो लॉगिन करने के लिए फोन खोला तभी तो पता चला ट्रिप एंड नहीं हुई है। तो भाई ने मेरे तक फोन करा, भैया इसका कोई सॉल्यूशन, मगर यार ऐसा तो एक बार मेरे साथ जनवन तौर पर रोहतक में हुआ था मेरे साथ। तो भाई वो मैं एक रोहतक की बुकिंग लेके गया था पटेल नगर से आउट स्टेशन इंटरसिटी में, तो उसमें भी ये इश्यू आ गया था। तो मैंने तो उसमें ऐप के थ्रू कस्टमर केयर में कॉल मिलाया तो भाई कॉल मिल गया था, मगर इस वाले सिचुएशन में मुकेश भाई का कॉल नहीं मिला। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन था मैंने वही बताया, भैया तो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ऐप के थ्रू कॉल करके देख लो। दोनों ही ऑप्शन भाई ने बोले करके देख लिए, फेल हो रहे हैं तो मगर भाई सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ जो कि सोसाइटी का गेट है, उससे बातचीत करो। तो भाई बाद में फिर मैंने कॉल करा, मगर भाई मुकेश क्या होया उस वाली बुकिंग का, तो उसने बताया जो सिक्योरिटी गार्ड था उनसे रिक्वेस्ट करी जो बाहर मेन गेट पे होते हैं, उनको बताया भाई ऐसे ऐसे अभी आप देखो अपने सीसीटीवी में मैं छोड़ने के लिए गया था पैसेंजर को और ऐसे ऐसे ये स्टोरी हो गई है। तो उसमें भाई कोऑपरेट करा सिक्योरिटी वालों ने, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो वो उस वाले टावर पे लेके गए, उस टावर पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बताया जी ये फ्लोर था उनका। तो सिक्योरिटी ने उनको फोन मिलाया,
उसके बाद ओटीपी मुकेश भाई को मिला, तब जाके ट्रिप एंड हुई। यानी कि बड़ा समस्या रही भाई, करीब एक डेढ़ घंटे तक परेशान रहा भाई। तो यही एक बस छोटी सी एक बात आपको बतानी थी, भले ही ये छोटी हो और आप भी सोचोगे यार ये क्या टॉपिक है जिस पे वीडियो आप कुछ भी बना के डाल दे रहे हो, मगर भाई कोई और भाई इसी सिचुएशन में ना फंसे, फंस जाए तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन उसका हो सकता है। पहले तो भाई ओटीपी सामान जब उतारो, जब पहले ट्रिप एंड करके ओटीपी डाल दो, पूरा फाइनल उनका बिल अमाउंट आप ले लो और आपकी डिवाइस नॉर्मल मोड में आ जाए। तो ये सबसे पहली तो बात ये ध्यान रखनी है, मगर कई बार ध्यान नहीं रहता। जैसे खुद मेरे को रोहतक की बुकिंग में ध्यान नहीं रहा, खुद मुकेश भाई को कल याद नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो बस ऐसी समस्याएं ना आए, इसी वजह से ये वीडियो भाई बनाया है। तो कर दो शेयर ताकि जितना हो सके जानकारी फैलेंगी तो उतना ड्राइवर भाइयों का भला होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, करता हूँ वीडियो का एंड। दे दो इजाजत सारे भाइयों ने। राम राम, जय हिंद, जय भारत।